हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो इस व्लॉग में हम पहुंचने वाले हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है ओखिमठ। तो जैसा कि मैंने दिखाया कि हम लोगों ने स्टे किया है गढ़वाल मंडल विकास निगम के होटल में। तो ये कुछ बाहर का नज़ारा है, यहाँ से हिमालयन रेंज पूरा अच्छे से दिखता है। एंड अभी हम यहाँ से 1 किलोमीटर वॉक करके जाने वाले हैं ओमकारेश्वर टेम्पल। फाइनली हम पहुँचने वाले हैं ओमकारेश्वर टेम्पल। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर टेम्पल। ओमकारेश्वर टेम्पल उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले में स्थित है। सर्दियों के समय यहाँ पे केदार बाबा और मध्य महेश्वर जी की पूजा होती है। जब भी केदारनाथ भगवान के धाम बंद हो जाते हैं शीतकालीन में, दिवाली के बाद भगवान की डोली को यहाँ पे लाया जाता है और 6 महीने तक उनकी पूजा यहीं पे की जाती है। इसके अलावा ये जगह अन्य कारणों से भी प्रसिद्ध है। ये वही प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पे राजा मंधाता ने शिव शंकर की 12 सालों तक एक टांग पे खड़े रह के तपस्या की और जिनके तप से बेहद प्रसन्न होकर शिव शंकर ने उन्हें ओमकार के रूप में दर्शन दिया और इसी कारणवश इस जगह का नाम ओमकारेश्वर टेम्पल पड़ा। कहते हैं यहाँ पे बानासुर की पुत्री उषा का विवाह अनिरुद्ध, जो कि कृष्ण जी के पोते थे, उनसे हुआ था। इसी कारण से इस जगह का नाम उषा मठ रखा गया और उसी से उषा मठ से ओखी मठ पड़ गया। मिलते हैं कर्णप्राग में चैप्टर 2। ओके, चलो आराम से चलना। कोई वो नहीं है,
guys, thanks for watching this vlog. Hope it added some value to your information. Please like, share, and subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye bye. Take care.